हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मेटालिक के बारे में। फ्रेंड्स, एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो इस कंपनी में अभी कुछ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है, जो कि चार्ट पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है, तो इसी बेसिस पे ये स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए हैं तो यहाँ पे ये जो 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, और सारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का कैसे स्टॉक बिल्ड करेंगे, तो ये सारे वीडियो देख के आप जरूर सीख सकते हैं। उसके साथ में अगर आपको स्विंग ट्रेड करने में अगर आपको इंटरेस्टेड है तो फिर आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड में अच्छा सा अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारा है, स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन स्विंग ट्रेड में आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि हमेशा आधा घंटा एक घंटा के लिए एक दिन में आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप स्विंग ट्रेड करके एक अच्छा सा स्टॉक को ट्रैक करके और प्रॉफिट के टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से स्टॉक में अगर आप अगर स्टॉक मार्केट में एक घंटा आप टाइम दे सकते हैं रोजाना, तो आप स्विंग ट्रेड करके भी एक अच्छा सा पोर्टफोलियो ग्रोथ करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपने आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप जाके जीरोधा में अकाउंट ओपन करके आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी जो बात करेंगे हम टाटा मेटालिक के बारे में, फ्रेंड्स ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि टाटा सब्सिडरी कंपनी है, जो कि इनका मेन कंपनी तो टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। अगर हम इसका मार्केट कैप देखेंगे 2,700 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये मेटालिक सेक्टर की स्टॉक है, तो इसका अगर हम देखेंगे इंटरेस्टिंग वैल्यू बिलो इंटरेस्टिंग वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, मतलब अभी एक बढ़िया सा वैल्यू पे स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, अभी बिल्कुल अभी करेंट प्राइस अगर देखेंगे लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू पे है। अगर हम देखेंगे स्टॉक का एनालिस्ट सब बोल रहे हैं 100% स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं, एंट्री पॉइंट भी गुड बता रहा है। तो इस हिसाब से स्टॉक का अगर हम ओवरव्यू चेक करेंगे, यहाँ पे स्टॉक का पी देख लीजिए, जो कि 12.49 पे अभी स्टॉक का पी चल रहा है। अगर हम सेक्टर का पी देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 24 का सेक्टर पी है। ठीक है, स्टॉक का डिविडेंड भी देख लीजिए, 0.46% का डिविडेंड है। तो इस हिसाब से स्टॉक में अगर हम देखेंगे एक लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 month का चार्ट पैटर्न में ये स्टॉक में -11% का रिटर्न है, 1 month में 11% यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अगर एक साल का भी चार्ट पैटर्न हम देखेंगे, यहाँ पे 48% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर हम 5 साल का भी ये स्टॉक में चार्ट पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे 142% का रिटर्न है, लेकिन स्टॉक में काफ़ी वोलेटिलिटी है, क्योंकि मेटालिक सेक्टर का स्टॉक है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 7,900% का रिटर्न है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सा रिटर्न जो कि आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में दिख रहा है। तो इस हिसाब से स्टॉक का जब लिस्टिंग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2000 से लेके अभी तक का 2000 में इसका स्टॉक प्राइस का प्राइस था 11.1, तो उस हिसाब से स्टॉक में एक बढ़िया सा यहाँ पे ग्रोथ मिला है। लेकिन अभी अगर हमें स्टॉक को सिलेक्शन करना है तो ये किस बेसिस पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो भी हमें जरूर अभी चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर हम देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल पे आ जाएंगे फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है टिकट टिप हम कैसे यूज करते हैं, आप यहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम एक अच्छा सा स्टॉक को पिक करते हैं। टिकट टिप वाला वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, बेस्ट स्टॉक स्क्रीनर है, बढ़िया सा स्टॉक स्क्रीनर है, यहाँ से आप बहुत सारा पैरामीटर आप चेक कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे अभी स्टॉक का रिजल्ट, अगर देखेंगे रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2019 में 2161 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था। अगर हम 2020 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2000 करोड़ का रेवेन्यू था। यहाँ पे अगर 2021 की बात करेंगे तो यहाँ पे 1924 का रेवेन्यू है। इस हिसाब से अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पे 181 करोड़ का था, यहाँ पे 166 करोड़ का है, यहाँ पे 220 करोड़ का है। तो इस हिसाब से यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे जॉब बिल्कुल हुआ है। ठीक है, अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे एक बार क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, अभी सितंबर में 647 करोड़ का जो कि सेल्स हुआ है, जो कि लास्ट सितंबर में, अगर दिसंबर में देखेंगे 528 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ था, उसके बाद में मार्च में 663 करोड़ का सेल्स हुआ था, जून में 606 करोड़ का सेल्स हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम प्रॉफिट भी देखेंगे, यहाँ पे दिसंबर में 75 करोड़ का प्रॉफिट आया था, उसके बाद में मार्च में 75 करोड़ का भी प्रॉफिट आया था, यहाँ पे जून में 94.7 करोड़ का प्रॉफिट आया था। तो मतलब यहाँ पे एक बढ़िया सा जंप दिखाया था प्रॉफिट में जून में, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे 54 करोड़ का आया है।
ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम आज के दिन का डिलीवरी अगर स्टॉक में चेक करें, आज का दिन में टाटा मेटालिक में डिलीवरी कितना परसेंटेज उठाया गया है, जो कि 53% का डिलीवरी उठाया गया है, जो कि क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 55,442 क्वांटिटी ट्रेडर हुआ है, यहाँ पे 29,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है। अगर स्टॉक का अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 52 वीक का हाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 1,373 है। अभी इसी हिसाब से अभी जो स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस चल रहा है तो यहाँ पे 886 के पास में स्टॉक चल रहा है। आज के दिन में भी 1.9% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, स्टॉक स्टॉक में जंप देखने को मिला है। अभी हम चार्ट पैटर्न में जाएंगे फ्रेंड्स। अभी अभी अगर हम चार्ट पैटर्न में आके देखते हैं फ्रेंड्स, ये स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है ये स्विंग ट्रेड के लिए हमारे लिए एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैंने स्टॉक को भी ट्रैक में रखा था कि ये स्टॉक में कैसे हम एंट्री लेंगे और कौन सा पॉइंट पर एंट्री लेंगे। मैं काफ़ी दिन से स्टॉक को भी स्टडी कर रहा था। अभी जिस हिसाब से अगर हम देखेंगे ये स्टॉक में बिल्कुल एक सपोर्ट के पास में आ चुका है। अगर आप देखेंगे मल्टी टाइम ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे भी एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट भी लिया था रेजिस्टेंस भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस भी फेस किया था, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट बन करके आता है। अगर हमें एंट्री लेना है तो इस लेवल पे हम एंट्री लेके चल सकते हैं, क्योंकि 100 डे का मूविंग एवरेज है, रेड कलर का 100 डे का मूविंग एवरेज है, तो उसके नीचे आ चुका है, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुका है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक में फ्रेंड्स, अगर मूविंग एवरेज कैसे सेट करते हैं, अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जरूर जाके चेकआउट करके बहुत कुछ सीख सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर इसी हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद में यहाँ पे एक बढ़िया सा सपोर्ट भी बना है। तो इसी हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक में यहीं पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। अगर आपको पोजीशन बनाना है, अगर आपको ये स्टॉक में पोजीशन बनाना है, अगर आपको अच्छा लगता है स्टॉक में पोजीशन बनाने में, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और फाइनेंशियल में कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल भी बहुत बढ़िया है, तो स्टॉक भी इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे पैरामीटर जब देखते हैं, एक स्मॉल कैप स्टॉक है और इसका जो प्रमोटर है टाटा ग्रुप की प्रमोटर है, तो इस हिसाब से स्टॉक में हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट अगर अभी करंट मार्केट प्राइस से अगर इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे 884 के पास में, हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 1,263 तक हम टारगेट लेके चल सकते हैं, नहीं तो ये लेवल तक लेके चल सकते हैं। पहला जो टारगेट आपका है 1,263 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, क्योंकि कई बार स्टॉक ने यहाँ पे कैंडल बनाया है जो कि आपको रेजिस्टेंस फेस किया है। जो पहला टारगेट आपका रहेगा 1,263 फ्रेंड्स, ठीक है, ये यहाँ तक अगर आप होल्ड करके चलेंगे फ्रेंड्स, आपको 43% का गेन मिल सकता है। जो नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट तक अगर आप चलते हैं 1,344 पे, आपको यहाँ पे 51-52% का गेन मिल सकता है फ्रेंड। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में हमें एक साल में टारगेट अचीव हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो टारगेट है एक साल में हमें ये 42% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो किसी भी टाइम पे थोड़ा सा 5-10% का करेक्शन आ सकता है, तो इसीलिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब हमें 40% का 50% का गेन की हम प्रोबेबिलिटी रखते हैं, स्टॉक में वहाँ पे करेक्शन भी 10% 20% आ सकता है। इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने स्टॉक बाय कर लिया उसके अगले दिन स्टॉक चलना चालू कर लेगा, ठीक है। हमारा टारगेट जो है एक साल में हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टॉक में बढ़िया सा स्टॉक है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है। अगर आपको ठीक लगता है ये स्टॉक में, आप पोजीशन बिल्कुल बना के चल सकते हैं, आपको एक बढ़िया सा टारगेट अचीव हो सकता है, जो कि एक साल में ये टारगेट अचीव हो सकता है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे ये स्टॉक में जितना मंथ से कंसोलिडेशन हुआ है ना, स्टॉक यहाँ पे रुकेगा भी नहीं है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है स्टॉक यहाँ पे रुकेगा भी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक इतना बड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है तो यहाँ पे स्टॉक जरूर यहाँ पे कुछ सालों तक ये स्टॉक में ग्रोथ जरूर देखने को मिल सकता है। देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे एक रिवर्स रेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो इस हिसाब से स्टॉक वहाँ पे नहीं रुकने वाला है। स्टॉक अगर वहाँ से भी लेके हम देखते हैं इसका टारगेट कहाँ तक आता है, अगर इस स्टॉक को आप होल्ड करके चलेंगे तब भी फ्रेंड्स वही टारगेट निकल करके आता है, तो वहाँ तक आप होल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टारगेट निकल करके आता है 1,439 तक आता है, तो वो टारगेट तक तो आ चुका है, तो उस हिसाब से हम यही टारगेट पे निकल जाएंगे तो ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही 1,439 के पास में वो भी टारगेट निकल करके आ रहा है, तो
तो इस हिसाब से हम ये जो रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल पे हम निकल सकते हैं, क्योंकि दोनों कैंडल का रेजिस्टेंस भी वहीं पे ही निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो पहला टारगेट फ्रेंड्स आपका रहेगा 1263, सेकंड टारगेट रहेगा 1350 में नेक्स्ट टारगेट रहेगा, उस टारगेट पे आप प्रोडक्ट जो प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।